नमस्कार दोस्तों, छोटे उद्योग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मारुति सुजुकी डीलरशिप के बारे में। मारुति सुजुकी डीलरशिप क्या है, मारुति सुजुकी डीलरशिप का मार्केट स्कोप कितना है, मारुति सुजुकी के डीलरशिप के कितने टाइप्स होते हैं, मारुति सुजुकी डीलरशिप कंपनी की क्या विशेषताएं हैं, मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए आपको कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी, मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए आपको कितनी लागत लगेगी, मारुति सुजुकी की डीलरशिप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और मारुति सुजुकी डीलरशिप से आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना मुनाफा होगा और मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, मारुति सुजुकी भारत की विश्वसनीय ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। कंपनी ने दशकों तक सस्ती कीमतों पर विश्वसनीय और टिकाऊ कारों के साथ भारत के नागरिकों की सेवा करके इसे हासिल किया है। दोस्तों, कंपनी की उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा ने कंपनी को देश में एक विशाल और वफादार ग्राहक आधार बनाने में मदद की है। ऑटोमोबाइल उद्योग में होने वाली प्रतियोगिता में मारुति सुजुकी न केवल जीवित है बल्कि प्रभावशाली रूप से संपन्न है। दोस्तों, मारुति सुजुकी एक भारत की सर्वश्रेष्ठ ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने 1983 में प्रतिष्ठित मारुति 800 को लॉन्च किया था। उस दिन से कंपनी बदलाव की क्रांति ला रही है। दोस्तों, इन्फ्यूजिंग डिजाइन और तकनीक एक ऐसा कदम है जिसने अपनी कारों को नए युग की अपेक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए नया कदम उठाया। आज मारुति सुजुकी ने अपनी आंखें कल की संभावनाओं पर दृढ़ता से टेकी है और दोस्तों, हर कोई इसकी गाड़ियों पर यात्रा करने पर आमंत्रित है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी डीलरशिप का मार्केट स्कोप क्या है। दोस्तों, मारुति सुजुकी 2006 में सुजुकी और मारुति ने एक और संयुक्त उद्यम मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल इंडिया की स्थापना की। दोस्तों, दो नए संयंत्र बनाने के लिए, एक वाहनों के लिए, दूसरा इंजनों के लिए। क्लीनर कारों को भी पेश किया गया था जिसमें कई नए मॉडल भारत में पेश किए गए थे। दोस्तों, फरवरी 2012 में मारुति सुजुकी ने 10 लाखवां वाहन बेचा था। दोस्तों, जुलाई 2014 में इसकी बाजार हिस्सेदारी 45% से अधिक थी। 15 मई 2015 में कंपनी ने भारत में अपनी 15 मिलियन वाहन एक स्विफ्ट डिजायर का उत्पादन किया। दोस्तों, मारुति सुजुकी के अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया कि 2022 में हम कॉर्पोरेट औसत ईंधन क्षमता को पूरा करने में सक्षम होंगे और सीएनजी वाहनों के हिस्सों में अपने मानदंडों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, डीजल कारों की बिक्री मारुति सुजुकी की वार्षिक बिक्री का लगभग 23% है। दोस्तों, मारुति सुजुकी के बढ़ते वाहनों की मांग को देखते हुए इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मारुति सुजुकी की आज के समय में, मारुति की कारों की आज के समय में कितनी डिमांड है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की डीलरशिप के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, यह फ्रेंचाइजी दो प्रकार से देती है। कंपनी के पास मारुति सुजुकी वाहन डीलरशिप के द्वारा मारुति सुजुकी सेवा केंद्र के लिए भी डीलरशिप देती है। दोस्तों, कंपनी लोगों को निवेश करने और मारुति सुजुकी स्पेयर पार्ट डीलरशिप का मालिक बनने का भी आपको अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, मारुति सुजुकी कंपनी की विशेषताएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ड्राइविंग के अनुभव को बेहतर बनाने और आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मारुति सुजुकी टेक्नोलॉजी में अधिक विश्वास करती है। एक्सपीरियंस। दोस्तों, हर यात्रा और अनुभव को एक यादगार बनाने के लिए मारुति सुजुकी लोगों को अपनी हर चीज के लिए केंद्र में रखती है। डिजाइनिंग। दोस्तों, केवल अच्छी दिखने वाली कार से अधिक देने के लिए मारुति सुजुकी सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक डिजाइन एक अलग से हो। डिजाइन से अधिक यह प्रौद्योगिकी में विश्वास करती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए आपको कितने जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, यदि कोई भी आवेदक मारुति सुजुकी कार की डीलरशिप लेना चाहता है तो उसके पास अच्छी जमीन होनी चाहिए और जमीन भी अच्छी लोकेशन पर होनी चाहिए, तभी आपको मारुति सुजुकी कार की डीलरशिप मिल सकती है। दोस्तों, मारुति सुजुकी शोरूम में आपको ग्राहकों के लिए स्पेस, वर्क स्पेस, कार पार्किंग, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस आदि सभी के लिए काफ़ी एरिया की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो आपकी ज़मीन है वो ऑन रोड होनी चाहिए। मारुति सुजुकी की फ्रेंचाइजी के लिए आपको 4000 से 5000 वर्क फुट के स्पेस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपका फ्रंट एरिया भी काफी अच्छा होना चाहिए, उसमें गाड़ियों को रखने के लिए भी अच्छा स्पेस होना चाहिए। आगे बात करते हैं मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए आपको कितनी लागत लगेगी। दोस्तों, मारुति सुजुकी समाज में एक स्थापित प्रतिष्ठित ब्रांड है, इसलिए इसकी कारों की बिक्री इतनी तेजी से बढ़ती रहती है। इसके लिए भी दोस्तों, आपकी जगह के लिए आपकी काफी इन्वेस्टमेंट की करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यदि जमीन आपकी खुद की है तो आपका काफी रुपया बच जाएगा। कंपनियों की नीतियों के अनुसार आपको शोरूम बनाने के लिए भी काफी रुपया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मारुति सुजुकी की डीलरशिप लेने के लिए आपको 50 लाख से 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। दोस्तों, यह राशि आपकी जमीन की लोकेशन और स्पेस के आधार पर अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की
जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यदि कोई भी आवेदक मारुति सुजुकी की डीलरशिप लेना चाहता है तो इसके लिए कंपनी आपके कुछ डॉक्यूमेंट चेक करती है, उसमें आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट भी होते हैं और इसमें आपके प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट भी होते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आपका राशन कार्ड, बिजली का बिल, इसके साथ ही आपको बैंक अकाउंट की पासबुक की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको फोटोग्राफ, ईमेल आईडी और फोन नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो पूरे कम्प्लीट होने चाहिए और साथ ही उसका एड्रेस भी लिखा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही आपको लीज एग्रीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी और इसमें आपको सभी प्रकार के एनओसी की भी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी डीलरशिप से आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना मुनाफा होगा। दोस्तों भारत में मारुति सुजुकी कंपनी कार कंपनियों में सबसे लोकप्रिय है, तो उसकी डीलरशिप लेने से आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी अपने हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देती है। दोस्तों कंपनी ने स्विफ्ट, विटारा, ब्रेजा और स्विफ्ट डिजायर जैसी मारुति सुजुकी कारों पर लगभग 8-8.5% लाभ मार्जिन देती है। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी से सीधा डायरेक्ट टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकती है। यह सभी जानकारी दोस्तों आपको डीलरशिप देते समय भी दी जाती है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। दोस्तों मारुति सुजुकी की डीलरशिप हासिल करने के लिए आपको कुछ को निम्नलिखित कदमों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मारुति सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www.marutisuzuki.com। वहां पर पहुंचने पर आपको मेन्यू पर डीलर रिक्वायरमेंट विकल्प पर जाना होगा और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। इसमें आपकी व्यक्तिगत डिटेल और आपके बिजनेस की डिटेल आपको भरनी होगी। उसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट की सूची उसके साथ संलग्न करनी है। इसके साथ ही आपको 3 वर्षों की बैलेंस शीट, स्टोर के निर्माण, आपके लोकेशन की 4-6 तस्वीरें, पिछले 3 साल की ITR, नवीनतम सिविल रिपोर्ट आदि की जानकारी आपको देनी होगी। दोस्तों सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको 1,00,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी कंपनी को भेजना होगा। यदि आपके द्वारा दी हुई जानकारी सभी ठीक पाई जाती है तो कंपनी के द्वारा आपको संपर्क कर लिया जाएगा और आपको डीलरशिप के लिए आगे रिक्वायरमेंट के लिए डीलरशिप के लिए पूछताछ के लिए आपको बुलाया जाएगा और आपको मारुति सुजुकी की डीलरशिप मिल जाएगी। दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी ने अपना टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर आप सभी जानकारी ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर है दोस्तों 1800102180। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे दोस्तों आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।